शहर के शख्सियत, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं छात्र राजनीति में लंबे समय से कार्यरत रहे और अब युवाओं के लिए काम करने वाले, सामाजिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले रामजी सिंह जी। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आप जो है, आज के जो युवा है वो सीधे पढ़ लिख लेते हैं तो सोचते हैं नौकरी मिल जाए, रोज़गार मिल जाए। आप कैसे कैसे राजनीति में आ गए और लंबा पारी खेला आपने, आप 10-15 साल से लगातार काम कर रहे हैं, तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है और आपने ये रास्ता क्यों चुना, ये सवाल है। स्पष्ट शब्दों में बताऊँ तो जब मैं मैट्रिक इसी MP हाई स्कूल से करने के बाद जब इंटर में मैंने नामांकन कराया और उसी वक्त विद्यार्थी परिषद का सदस्य बन गया, ABVP का सदस्य बन गया। और ऐसे पहले से कोई वैसा मेरी कोई सोच नहीं थी कि मुझे क्या करना है, अपना पढ़ाई चल रहा था। लेकिन जब इंटर में कुछ गलत, मेरे साथ कुछ गलत लोग भी थे, गलत कुछ रास्ते भी पे मैं चलता था, लेकिन जब विद्यार्थी परिषद में आने के बाद जब मैं सक्रिय हुआ इंटर में, तो मैंने देखा कि जो घर वाले पहले मुझे किसी बात पे डांटते थे, उनको अब देखने का मुझे तरीका, मेरे में सुधार होने लगा। और यही मेरा टर्निंग पॉइंट है कि वहीं से हमको लगा कि पहले मुझे घर से यातनाएं झेलनी पड़ती थी, कुछ गलत काम करते थे, और विद्यार्थी परिषद के में आने के बाद अच्छे काम कर रहे हैं और जो लोग मुझे गलत डांटते थे वो मुझे प्यार कर रहे हैं, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मिलने लगी। और उसी वक्त मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट वहीं इंटर में, मैंने जब विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया और वहीं से मैं छात्र राजनीति को निकल गया और धीरे 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 सामाजिक मुद्दों पे भी काम करने लगा। और समाज धीरे धीरे जो लोग मुझे नापसंद करते थे अब कहीं ना कहीं मुझे स्वीकार करने लगे। मतलब इस काम में आपका कह ले तो परिवार का भी पूरा सपोर्ट होने लगा बाद में, शुरू में शायद नहीं रहा होगा लेकिन बाद में सहयोग मिलने लगा। शुरू में विरोध हुआ लेकिन बहुत अल्प समय के लिए, तो घर वालों को लगा कि ये गलत संगठन में आने के बाद गलत कार्यों को से दूर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं घर के लोग भी रजामंदी दिखाने लगे और इसको स्वीकार कर लिए। आप लगातार छात्र राजनीति में 10-12 साल काम किया आपने, तो आप बक्सर के छात्र राजनीति को कैसे देखते हैं और बक्सर का जो छात्र राजनीति है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कितना अहमियत रखता है? देखिए, यह महर्षि विश्वामित्र की भूमि है, बक्सर एक धार्मिक भूमि है, और जो बक्सर दिखा दिया वो आपको बहुत, जैसे हम लोग भी छात्र राजनीति में इलाहाबाद जाना हुआ, दिल्ली भी जाना हुआ, वहाँ के मित्रों से भी संपर्क होता है, प्रयाग में के मित्रों से संपर्क होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो, लेकिन वहाँ से और बक्सर की छात्र राजनीति बिल्कुल अलग है, बिल्कुल चेंज है। मैंने बताया ना कि धार्मिक नगरी, यहाँ पे छात्र राजनीति को जो नज़दीक से देखे होंगे, बहुत लोग सवाल करते हैं जो बाहर से छात्र राजनीति करके यहाँ पे आए हैं, अपने अभिभावकों की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर देख के वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यहाँ पे ऐसे कैसे हो जाता है कि जब एक विद्यार्थी परिषद ABVP का कार्यकर्ता जब किसी सामाजिक मुद्दे पर उनकी गिरफ्तारी होती है, तो चाहे वो छात्र RJD के हों या JDU के हों या फिर किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के हों, वो सब उस मुद्दे पे एक हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे नज़दीक से, बक्सर में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है, तो उसकी अगुवाई छात्र युवा ही किए हैं, छात्र संगठन ही किया है। और इसमें सबसे खासियत बात ये रही कि प्रशासन किसी भी आंदोलन को, यहाँ पे कोई भी छात्र संगठन करे, उसको जब दबाने का प्रयास किया है, तो यहाँ पे सारे छात्र संगठन एक मंच पे आके और प्रशासन को घुटने टेकने पे मजबूर किए हैं। ये खासियत है बक्सर की छात्र राजनीति की। मुझे तो लगता है कि जो काम पार्टी को करना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी को करना चाहिए, हमको लगता है उस मुद्दा को भी छात्र राजनीति जो है, यहाँ की जो छात्र राजनीति है ज़्यादा मैटर करता है, वो आगे बढ़ चढ़ के उस पर हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं नहीं, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जब छात्र राजनीति की बात हुई, तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं कि जब देख रहे हैं कि हमारे विरोधी विचारधारा के छात्र संगठन उस मुद्दे को उठाए हैं और प्रशासन उन पर गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है और हम लोग उस पर आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टी के लोग हमें मना करते हैं कि वो विरोधी विचारधारा के हैं, वहाँ पे ये नहीं देखते। हम लोग वहाँ पे तर्क देते हैं कि आखिर वो समाज हित में तो है, अगर कोई छात्र संगठन का कार्यकर्ता है हमारा विरोधी क्यों ना हो, अगर फीस वृद्धि को लेके वो अपनी मांग को लेके लोकतांत्रिक तरीके से कार्यक्रम कर रहा है, तो प्रशासन या कॉलेज प्रशासन वहाँ पे अगर कोई गलत कार्य कर रही है तो उस छात्र संगठन का सहयोग देना छात्र संगठन का काम नहीं है, क्योंकि वो भी तो छात्र हित में काम कर रहा है। तो यहाँ पे बक्सर के छात्र राजनीति में ऐसा हुआ है। हाँ, ये बहुत सारे राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं को ये नागवार गुजरती है कि आखिर ये लोग पे जब कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो सारे छात्र संगठन यहाँ पे एक कैसे हो जाते हैं। ये यहाँ के नेताओं
पे यहाँ के नेताओं को पसंद नहीं है, यहाँ के नेताओं इससे जलते भी हैं। मुझे याद आ रहा है कि आप बोले कि आप लगातार अभी भी आप एक्टिव रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक वर्तमान कोई यहाँ पे विधायिका थी, आपने उनका विरोध किया था, काला झंडा दिखाता एक महल करके। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि ये आप किसी संगठन में जब होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे लैस हो जाते हैं और आप सिर्फ उसी की बात करते हैं, तो उसके साथ में उस संगठन में होने के साथ साथ रामजी में ऐसा क्या था कि जो अपने संगठन के लोगों के गलत नीतियों के खिलाफ भी मुखालफत करते थे, ये कैसे मतलब संभव था? पहले तो मैं स्पष्ट बता दूं कि मैं जिस छात्र संगठन से था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवीवीपी, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का विंग नहीं है, भाजपा का विंग नहीं है। नहीं है। अच्छा, लोगों को लगता है कभी कभी हमारे विचार एक होते हैं राष्ट्रीय मुद्दे पे, जैसे आतंकवाद के मामले पे, नक्सलवाद के मामले पे, कई ऐसे सामाजिक मुद्दे पे हमारे और भाजपा के विचार मिलते हैं, लेकिन हम भाजपा की विंग नहीं है। आपको अगर जानकारी होगी, भाजपा 80 के दशक का संगठन है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 में हुई है। बहुत सारे विचार भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं, लेकिन भारत एबीवीपी किसी भी राजनीतिक पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। हम लोग स्वतंत्र होकर काम करते। तो मैं बता दूं, मैं यहाँ पे इसी सब्जी मंडी के मामले में उस वक्त विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक हुआ करता था यहाँ पे आज से 7-8 साल पहले, और इसी किला मैदान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, आए थे और हम लोग गए थे वहाँ पे और जम के विरोध किए थे। 2-3 मामले थे यहाँ पे, छात्र संघ चुनाव का भी एक मामला था, उसमें हम लोग जम के, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जब हम लोग के कतार में आए तो हम लोग जम के विरोध किए। उस वक्त अभयानंद, तत्कालीन डीजीपी अभयानंद जी को आके बीच बचाव करना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माननीय मंत्री थी भारतीय जनता पार्टी की, अगर हम भाजपा के होते तो अपने मंत्री का विरोध कैसे कर सकते थे, हम पे कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन मंत्री यहाँ पे सुखदा पांडे जी उस वक्त मंत्री थी और किला मैदान में मैंने इसी सब्जी मंडी के मामले को लेके मैंने विरोध किया, मेरी गिरफ्तारी हुई, उसमें जम के लाठीचार्ज जयंतकांत एसपी के द्वारा किया गया, लेकिन उसके बाद संगठन ने मुझ पर कोई कार्रवाई की? कुछ नहीं कार्रवाई की। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का विंग होता तो फिर हमको संगठन कार्रवाई होती, निकाल के फेंक देती। बिल्कुल, अभी हमको लग रहा है जैसे आपने बात करी कि छात्र राजनीति में यहाँ बड़ा अच्छा यूनिटी रहा है और हमने भी देखा है बहुत, चूँकि मैं बक्सर से ही हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि इधर आसपास आरोप और प्रत्यारोप का राजनीति बहुत हावी है छात्र राजनीति में भी, और ये एक मतलब क्या है जो आप यूनिटी की बात कर रहे हो, लगातार हमने भी देखा जो अब थोड़ा कम नज़र आ रहा है, पहले से क्या है? एकदम आप बिल्कुल सही एकदम प्रश्न किए हैं। पहले से छात्र राजनीति में और आज की छात्र राजनीति में अंतर बहुत हुआ है, और ये अंतर सोशल मीडिया का अंतर है। बहुत सारे छात्र नेता हो गए हैं जो आज तक कभी कॉलेज में जाके एक प्रदर्शन नहीं किए होंगे, मेरे पे 9 FIR है आज तक। बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे एक हुआ है, किसी पे 2 भी है, किसी पे, लेकिन जो आप जो प्रश्न किए वैसे यहाँ पे छात्रों की एक बहुत बड़ी तादाद सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ गई, जो छात्र राजनीति से कोई लेना देना नहीं, छात्र छात्राओं की समस्या से कोई लेना देना नहीं, मूलभूत समस्याओं से कॉलेज में क्या समस्या है उससे लेना देना नहीं, केवल एक संगठन हो गया और संगठन के हम पदाधिकारी हो गए, जमीन पे काम नहीं हो, और इसी का अब अभाव हो रहा है कि जमीन पे काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे छात्र संगठन कमजोर होने लगा है और प्रशासन मजबूत होने लगी है। अभी आपके साथ कुछ लोग थे जो ब्लड के लिए आए थे, आपने कई जगह फ़ोन किया आप काम कर रहे हैं, जब आप, हमको लग रहा है जब ब्लड के लिए उनको देने की जब बात कर रहे होंगे तो आप उनसे धर्म उनका नहीं पूछते होंगे, उनकी जाति नहीं पूछते होंगे, तो मेरा ये मतलब है कि आप जब, आपका मैं फेसबुक हमेशा देखता रहता हूँ, आप उस पर कभी कभी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, जबकि कई आपके अच्छे मित्र मुसलमान है, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं आपके, तो ये क्या, रामजी तो अंदर से दयालु है भाई जो रक्तदान करता है, लोगों का सपोर्ट करता है, फिर ये जो बयान आते हैं वो क्या है, राजनीतिक है या कुछ और है? बता दें, बयान कभी मैंने मुसलमानों के विरोध में या किसी भी धर्म जाति के विरोध में मैंने बयान नहीं दिया है। अच्छा, अगर हमारे इतिहास के साथ पहले छेड़छाड़ हुई है तो वो, जैसे आपने बताया कि ताजमहल वाली घटना की, तेजोमहल आपने बताया, तो अगर हमारे इतिहास में पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है किसी विशेषों के द्वारा, बस उसको मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, न कि किसी धर्म के विरोध में। आज तक मेरे, आपने बताया कि मेरे कई अजीज मित्र, मैं बता दूं कि यहाँ तक कि अगर मुझे कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी तो मेरे सबसे करीबी मित्र शायद वो मुसलमान ही है कि सबसे पहले मुझे खून देने के लिए वो आगे आ जाएगा। अगर आर्थिक दृष्टि से भी काम है या किसी भी प्रकार की मुझे आवश्यकता होती है तो वैसे ही लोग हैं जो, जैसे आपने बताया, आपको पता भी है कि कुछ ऐसे अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हैं जो मेरे लिए अपना सब कुछ दे सकते हैं। तो यहाँ पे किसी जाति और धर्म के विरुद्ध में मैं कभी नहीं बोला है। कोई पहले का जो इतिहास रहा है जिसे छेड़छाड़ की गई है उसको मैं
रखने का प्रयास करता हूँ। अगर इससे किसी की धर्म धार्मिक भावना को अगर ठेस पहुँचती है तो मैं इसके लिए सबसे क्षमा भी मांगता हूँ। अभी एक महीना भी नहीं हुआ, इसी हमारे दरिया शहीद बाबा में जो किला के सामने है, बक्सर में सबसे बड़ा इसको मजार बोला जाता है दरगाह, और यहाँ पे उर्स हुआ था, उसमें मैं हर एक साल ये अतिथि के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, आपने देखा भी होगा कि मैं हर साल पहुंचता हूँ, और वहाँ पे वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़ के मेरा सम्मान भी करते हैं। कुछ दिन पहले एक संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया आपने, युवा शक्ति सेवा संस्थान, आप उसके संयोजक भी हैं और लगातार आप काम भी कर रहे हैं, तो इस युवा शक्ति सेवा संस्थान का रोड मैप क्या है, आप इसके साथ क्या काम करने वाले हैं आगे चल के? देखिए, पहले तो मैं बता दूँ कि जब छात्र राजनीति से मैं अब कॉलेज छोड़ दिया तब युवा राजनीति में आने का मन था, लेकिन राजनीति के मैंने 2 महीने करीब से देखे हैं। छात्र राजनीति के बाद मैं राजनीति मेन स्ट्रीम का राजनीति देखा आपने? हाँ, 2 महीने तक मैंने सक्रिय रूप से राजनीति देखी, और मुझे देखने के बाद अंतिम विकल्प मुझे यही लगा कि ये मेरी समीक्षा थी कि 2 महीना काम करने के बाद कि वो दलगत राजनीति में हम लोग अभी ठीक नहीं पाएंगे, हम लोग लायक नहीं है। क्यों, ऐसा क्या लगता है, उसमें क्या दिक्कत है इस तरह से? अब मेरी सोच है कि समाज हित में काम करने के लिए, कि अब कोई आ जाए, और जैसे अभी आपके सामने वो लड़का आया था, उसके पिता की खून की आवश्यकता थी, उसका मैं घर नहीं जानता हूँ, उससे मिला तक नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए 20 जगह फ़ोन किया, ब्लड बैंक में गया, इधर उधर प्रयास किया, और अभी एक आदमी आ भी रहे देने के लिए। तो हम लोग को ऐसे काम करने में, किसी मजबूर असहाय लोगों के काम करने में मज़ा आता है, और मेन हम लोग का मेरी सोच यही है कि किसी दबे कुचले का हम लोग दबे कुचले लोगों को इंसाफ दिलाया जाए, कुछ असहाय को मदद किया जाए, जिस जिसकी आवाज़ ऊपर तक नहीं जा रही है उसकी आवाज़ को हम लोग उसकी आवाज़ बनाया जाए। लेकिन राजनीतिक पार्टी में ऐसा नहीं है। अगर पहले की राजनीति देखिए, हम लोहिया की बात करते हैं, पहले तो चाटुकारिता बढ़ा है, मतलब काम करने वाले लोगों की पूछ नहीं है। जन अच्छा, यहाँ पे जितने राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, कितने लोग जन समस्याओं को लेके डीएम आवास में ताला मारे हो, कितने लोग जन समस्याओं को लेके बिजली विभाग में गए हों और प्रदर्शन किए हों, हॉस्पिटल में जाके, हॉस्पिटल में जाइए, अगर आप डिलीवरी के लिए जाइएगा, हम लोग तो अक्सर रात को भी पहुंच जाते हैं डिलीवरी के लिए, अगर किसी को लेके जाइएगा तो जो ग्लव्स आता है वो ग्लव्स आपको बाहर से, दवा तो दूर की बात है, ग्लव्स आपको बाहर से खरीद के देना पड़ता है। कितने यहाँ पे राजनीतिक दल के, चाहे सत्ता के हों चाहे विपक्ष हों, जन समस्याओं के प्रति भी आवाज़ उठाना और अपनी आवाज़ को ऊपर तक डंके की चोट पे रखना भी प्रशासन, आवश्यकता पड़ती है तो आपको जिला प्रशासन का विरोध भी करना है, चाहे सत्ता पक्ष के क्यों न हो। अगर राजनीति में अच्छा काम कर रहे हैं, सकारात्मक राजनीति आपको करनी है, तो जन समस्याओं के प्रति भी आपको सचेत रहना पड़ेगा, तत्पर रहना होगा। आखिरी में मैं चाहूँगा कि आप कुछ बक्सर के युवाओं के लिए, बक्सर के छात्रों के लिए कुछ कहें, कि आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, आप लगातार इसमें रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे बक्सर के युवाओं? जो आम छात्र हैं वो तो पढ़ाई करें, क्योंकि समय हम लोग नज़दीक आके देख लिए कि अब तो हम लोग की नौकरी भी नहीं लगेगी। आपकी तरह कोई छात्र राजनीति ना करे? ना करे, अच्छा। लेकिन हम लोग की तरह छात्र राजनीति करने से आप देख क्या सकते हैं, सबसे पहले आज आर्थिक युग है, आपको अपना परिवार चलाना है, आपको अपने परिवार को देखते हुए अगर आप आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो गए तो आप समाज सेवा कर सकते हैं। समाज सेवा की राजनीति क्या क्यों कीजिएगा, समाज सेवा के लिए तो आप अगर संपन्न है आर्थिक दृष्टि से, संपन्न कब होइएगा, जब आप कुछ कीजिएगा। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसके बाद आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि पहले आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब हम लोग पे अब हम लोग मजबूर हैं, 9 FIR हो गया है, हम लोग चाह के भी नौकरी हमें नहीं मिल सकती। तो मैं आज के दिग्भ्रमित हो रहे छात्र युवा पीढ़ियों को एक बड़ा भाई के नाते छोटे भाइयों से मैं आग्रह करूँगा कि आप पहले अपनी पढ़ाई को पूरी कीजिए, हाँ सामाजिक काम भी कीजिए, अगर रक्तदान करना हो, आपके खून से अगर किसी का भला होता हो तो आप रक्तदान कीजिए, ऐसे स्वामी विवेकानंद अम्बेडकर की पुण्यतिथि, इस प्रकार से रचनात्मक काम कीजिए, लेकिन राजनीति जो है उससे थोड़ी सी राजनीति भी कीजिए, लेकिन जो आज राजनीति का जो माहौल बन गया है, जो स्थिति हो गई है कि राजनीति में केवल विरोध प्रदर्शन, इससे थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है, क्योंकि आज प्रशासन वैसे निर्दोष छात्रों को भी अगर आप थोड़ा सा कहीं प्रदर्शन किए, 5 मिनट के लिए भी यातायात बाधित हुई तो सीधे आप FIR, और जहां आप FIR हुआ तो फिर आपके राजनीति के जो आपके आदर्श हैं या जो आपके सीनियर हैं वो आपके साथ कभी खड़े नहीं हो सकते हैं, ये मैंने अनुभव किया है।
आपके आपको जो छात्र आपको जो संगठन में जोड़ रहे हैं, जब आप फंस जाइएगा तो आपको वो निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे और फिर आपका जीवन बर्बादी की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो मैं केवल यही आग्रह करूँगा कि सामाजिक कार्य कीजिए, अगर किसी का भला आपसे हो रहा है तो कीजिए, कोई अगर असहाय है उसको इलाज की ज़रूरत है, अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप पैसे से मदद कीजिए या कुछ अभियान चला के उसकी मदद कीजिए, ब्लड दान दीजिए, इस प्रकार के कार्यक्रम कीजिए, कहीं आगजनी हुई उनकी मदद कीजिए, ऐसे काम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जनमित्र को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जनमित्र, समाचार से बढ़कर विचार।